क्योंकि एक तो करेक्शन हुई है आज, ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम करते हैं, एक्सपेक्टेड क्या होगा आगे भी, तो हम डेली चार्ट देख लेते हैं, स्टार्ट से करते हैं। माइक पे है ना, इसे म्यूट कर। और मैं इतनी मेहनत से आपके कपड़े धोए हैं, स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सबको ना एक तो समझ आ जाएगी स्टार्टिंग से ना कि मार्केट में स्टार्ट में हुआ क्या था हमारी, ठीक है। ये डेली चार्ट है बीटीसी का, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी एक ना रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, ये ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार ये मार्केट जो थी ना, ये देखिए ये विक विक जो है ना, ये बार बार इसको ऊपर नहीं जाने दे रही प्राइस को, ये आप देख सकते हैं, ये डेली चार्ट है, ठीक है। हर दफा यहाँ पे आती थी ये बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी सपोर्ट थी, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया जो थी ना इसकी, ये एक स्ट्रॉन्ग ना सपोर्ट की तरह, ठीक है। पानी नहीं है यार। सदीप भाई आप प्लीज अपना ना माइक म्यूट कर दें। तो ये आपके सामने, ठीक है, ये मैंने ड्रॉप किया, ठीक है। इसके प्राइस ना बीच में हो रही थी ना काफी टाइम से, ठीक है। अच्छा, हमेशा जब भी ब्रेकआउट होता है ना, हमेशा तो एक दफा प्रॉप एक दफा रीटेस्ट लास्ट में होता है, ठीक है। अब आप डेली चार्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है, इसने उस टाइम ब्रेकआउट किया था लेकिन इसने रीटेस्ट यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। एक पॉसिबल जो था ना हमारे पास है था कि एक रीटेस्ट होगा, ठीक है। और अभी ये जो है ये एक तरह इसकी ना सपोर्ट है, एक रीटेस्ट भी हो रहा है और एक तो आप कह लें कि ये पॉसिबल था, मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि एक रीटेस्ट पेंडिंग है, ठीक है। जब वो ब्रेकआउट हुआ था हमने आपको यहाँ से ना लॉन्ग करवाया था 37,700 से, ठीक है, आप ये देख लें, आपको यहाँ से लॉन्ग करवाया था, ठीक है। टारगेट उसका फर्स्ट यहाँ पे था और एक आपका हमेशा का टारगेट यहाँ पे था, ठीक है, आपको याद भी होगा। और एक टारगेट मैंने आपको यहाँ पे दिया यहाँ पे दिया था, ठीक है। हमारे तीनों टीपी हिट हुए थे उस टाइम, और आप देख सकते हैं वहां से ही प्राइस जो थी ना वापस आई है, ठीक है। अब पॉसिबल आज का जो था वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसकी ना आपको मैं अब पॉसिबल यही है कि ना यहाँ से अगर तो ये ब्रेक करते हैं ना, तो आप पॉसिबल आप कह सकते हैं कि एक दफा रीटेस्ट होगा यहाँ पे, और ये इसकी ना की डिमांड जोन है 34,500। अभी फिलहाल ये ना सपोर्ट पे है, ये इसकी ना काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक तो, ठीक है। ये इसकी ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अभी हम इसको ना फोर और पे देखते हैं। अभी ये देखें ये यहाँ से बाउंस हो रहा है, ठीक है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ है कि इसने रीटेस्ट किया यहाँ पे और अब ये बाउंस पर है। अगर तो ये दोबारा इसको ब्रेक करता है तो हम कहेंगे कि ये पॉसिबल है कि ये यहाँ पे 34,035 के राउंड अबाउट यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। क्योंकि एक आप यहाँ पे अगर पीछे से देखें ना, आप ये देखें ये ऊपर से यहाँ पे आई है, इधर बहुत ऑर्डर लगे हुए, ठीक है, यहाँ से पंप हुई है मार्केट, दोबारा नीचे आई है, यहाँ पे ऑर्डर फिल हुए हैं, पंप हुई है, दोबारा नीचे आई है, यहाँ पे ये ऑर्डर फिल हुए हैं, पंप हुई है, दोबारा आई है नीचे, पंप हुई है, ठीक है। ये एक ना ये रेड बॉक्स जो है ना, ये बहुत एक ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ये ना काफी यहाँ पे मैंने उनको म्यूट कर दिया। अच्छा, ये जो है ना ये एरिया स्ट्रॉन्ग ना एक सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर तो ये चीज यहाँ से ब्रेक करती है तो देन हम देख सकते हैं मार्केट 35K के अराउंड अबाउट हमें नजर आएगी, ठीक है, इन केस अगर ये यहाँ से और मजीद ब्रेक डाउन होता है।
अभी फिलहाल कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा क्योंकि परफेक्टली इसने रीटेस्ट की है और बाउंस हो गई है, और मैंने काफी पहले से भी आपको बताया था कि रीटेस्ट पेंडिंग है इसका ना, इसने जब यहाँ से ब्रेकआउट किया था इसने रीटेस्ट नहीं किया था। आप देख सकते हैं ये दो विक बनी है और स्ट्रेट ये ऊपर जाती रही है, इसने कभी भी रीटेस्ट नहीं किया। हमेशा कोई एक चीज जब ब्रेकआउट करती है तो एक रीटेस्ट लास्ट नहीं करती है, अगर रीटेस्ट हो जाता तो हमें कंफर्म हो जाता कि एक चीज है जो आपकी ना सपोर्ट बन चुकी है। तो एक ये चीज है आपका अभी यहाँ से बाउंस हो गया, और ये आप मार्केट में देख सकते हैं पहले कि ये जो रेड बॉक्स है ना यहाँ से मार्केट में हम बहुत बाइंग ऑर्डर लगे हैं ये 34 के ना 34 से 33 के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे बहुत ना बाइंग हो रही है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे हैं। तो अभी तक इसने जहाँ से रीटेस्ट इसने यहाँ से की है अभी ये बाउंस हुई है, तो एक्सपेक्टेड है कि अभी नीचे मजीद नहीं आएगी, अगर आती है तो यहाँ से हम बाइंग दोबारा कर सकते हैं ये वाला एरिया, ठीक है। और पहले जो था वो ना एक हेड एंड शोल्डर इन्वर्स बना था, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये आपका ना एक हेड एंड शोल्डर बना था पैटर्न, मतलब जिसने नेक लाइन देखी थी ना यहाँ पे, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था और आपकी ये टारगेट आपको मैंने दिए थे, ठीक है। तो अभी ये है कि इसने रीटेस्ट किया, मैंने आपको पहले भी बताया था इतना रीटेस्ट होगा, तो अभी रीटेस्ट किया अभी यानी कि ये बाउंस हो गया यहाँ से ना, तो अभी तक ये इसकी सपोर्ट है मेजर जो आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेक डाउन करती है यहाँ से भी तो पॉसिबल है कि ये यहाँ पे ना ये रेड बॉक्स में आएगी। बाकी आपके कोई क्वेश्चन है इसे रिलेटेड तो आप पूछ लें। अच्छा अहमद, ये डेली टाइम फ्रेम आप खोलें चार्ट, मैं इनको इंग्लिश में जरा थोड़ा समराइज कर देता हूँ। ओके, सो ये आपने इससे पहले चार्ट 4 आवर का खोला था, कौन सा टाइम फ्रेम था वो? सो ओके, सो इन टुडेज लाइव सेशन अहमद अपडेटेड अबाउट द बीटीसी करंट कंडीशन। First, he drew some trend lines from the upper side and from the downside, and then he just showed that the pattern that was formed had inverse head and shoulder. It was formed a few days back. So a breakout was expected. The neckline was broke out, and the target was given by Ahmed, and the target was successfully achieved. You can see the targets. Those targets were successfully achieved and hit. And now, as Ahmed said, a possible retest of support is always necessary. So the BTC is now retesting its support. There are two scenarios for now. The BTC may go up from this support level. The blue, you can see the blue candle that is now forming on the 4-hour candle. So market may go bounce back from here or go upside, or if this trend like breaks, if the seller gets dominant and this trend line breaks, so we may see the BTC up to 35 to 34 levels. Ye mute kar denko zara. So 35 to 34 for purchasing, strong demand zone, and it's very strong buying range. So most of the orders are already has been set there. So it's the key level. If we see any drop, we can purchase alts and BTC little on the 35 or 34 levels. आकाश भाई, आपने थोड़ी देर जो कि आपको कोई मतलब कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप पूछने। अच्छा, अभी जिसका कोई क्वेश्चन हो वो देख ले, किसी का अगर माइक म्यूट हो तो वो क्वेरीज या गॉसिप सेक्शन में
मैसेज कर दे उनको, हम अनम्यूट कर देंगे ना, तो फिर वो क्वेश्चन अपने कर सकता है, उनके सवाल के जवाब दे देंगे हम अब इंशाल्लाह। ये ना प्रोसेस में इसमें ना एक दो है उन्होंने ज्वाइन करना, आप बता दीजिए सिस्टम। अच्छा एक ना मैंने FTM की ट्रेड दी थी मैंने ना अपनी ग्रुप में दी, ठीक है, मैंने उसका स्टॉप लॉस काफी ना करीब ही रखवाया था, मैं आपको उसका भी बता देता हूँ मैंने क्यों दी थी, बच्चा भी बता देता हूँ तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ये FTM का चार्ट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कर देते हैं इसको भी, ठीक है, ताकि सबके लिए इजी हो, ठीक है, इसकी ये एक सपोर्ट थी, ठीक है, रेजिस्टेंस था, यहाँ पे फिर बंद हुई है, ठीक है, और ये इसकी एक ये इसकी एक डेली चार्ट है, ठीक है, इसका ये इसकी नीचे वाली जो है सपोर्ट है, ठीक है, और ऊपर जो है ये इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमें ना इसमें एक पैटर्न हमें मिला था, ठीक है, आज हालांकि मैंने नहीं दी थी कॉल, मैं थोड़ा लेट हो गया तो मैंने नहीं देखा इसको ना चार्ट को, कल मैंने करना था लेकिन कल कह लें कि वो इंटरनेट का इशू था तो उस वजह से मैं नहीं आ सका, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका ना एक पैटर्न बन पाता है, हेड एंड शोल्डर इनवर्स, इसका शोल्डर परफेक्ट जो होता है ना वो इसका बन रहा था, ठीक है, आप ये देखें ये इसकी ना नेक लाइन है, हमेशा जब भी ब्रेकआउट नेक लाइन से करते हैं ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, अब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया है, ये इसकी हायर टाइम फ्रेम में इसकी ना एक रेजिस्टेंस थी, इसने यहाँ पे इसको टेस्ट किया, ठीक है, अभी ये था कि इसने रीटेस्ट भी नहीं किया था, इसने अब रीटेस्ट किया, ठीक है, एक दफा यहाँ पे ये, ठीक है, आप यहाँ पे ये देखिए इसने रीटेस्ट किया, एक तो इधर से है था इसका, ठीक है, मैंने आपको प्रीवियसली दी थी कि आप अगर रीटेस्ट है आपको टाइट स्टॉप लॉस के साथ ना यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि 20.29 पे आप ले सकते हैं इसको ना, तो ये फिर मैंने शेयर की थी आज, ठीक है, कुछ देर पहले और पहले शायद में, तो एक ये थी, इसमें ये है कि अगर तो ये पॉसिबल अगर ये हो जाता है हमारा BTC स्टेबल रहता है मजीद, तो ये कि अगर ये एक लेवल ब्रेक कर जाता है तो ये उम्मीद है यहाँ पे इसके ये TP बनेंगे, एक तो यहाँ पे ये बन जाता है TP, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे ये, और थर्ड वन जो है वो यहाँ ये ट्रेड सेटअप था, ठीक है, अगर इन फ्यूचर में भी अगर ये लेवल ब्रेकआउट करते हैं ना तो आप ट्रेड ले सकते हैं इसको ना यहाँ से, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम है, एक तो मतलब कंफर्मेशन इसकी ज्यादा अच्छी होती है कि अगर आप 1 आवर का देखेंगे उसमें आप के ना एनालिसिस गलत हो सकते हैं, लेकिन जितना आप ज्यादा हायर टाइम फ्रेम में करते हैं ना उतना वो ठीक रहता है। ये अभी BTC का मेन है कि वो सपोर्ट पे है बिल्कुल, अभी अगर तो यहाँ पे ये मतलब होल्ड करते हैं ना ये लेवल तो पॉसिबल है कि दोबारा गेन ये टारगेट जो है ना ये हिट करेगा दोबारा अगेन, सेम वही है, ठीक है, यही टारगेट होंगे हमारे अगर तो ये सपोर्ट पे होल्ड करते हैं, और काफी यानी कि ना फोमो क्रिएट हुआ है, पैनिक हुआ है, एक तो ना मतलब वो डेथ क्रॉस का, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ डेथ क्रॉस होता है जब 50 EMA 200 EMA को क्रॉस करती है ना,
आपको मैं ना बता देता हूँ कुछ को, ईएमए का नहीं पता, ये इंडिकेटर है एक तो ना ईएमए, इसकी सेटिंग 50 कर रखते हैं एक तो। ये हम हमेशा डेली चार्ट में देखते हैं, ठीक है। अब एक तो जब हमारा डंप आया था ना, ठीक है, आप स्टार्टिंग से हम जाते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से मतलब ना आप देख सकते हैं प्राइस इसके ना, जब यहाँ से इसने अगर हम पीछे जाएं ना, ठीक है, हमारे यहाँ से ना इसने क्रॉस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो रेड लाइन है ना 50 EMA ऊपर की तरफ चली गई थी, और जो रेड है ना 200 नीचे चली गई थी, ठीक है। अब उसके बाद आज तक इसने कभी क्रॉस नहीं किया, मतलब ये 15 मई 2020 की बात है, ठीक है। हमारा जो एक तरह बुल रन आप कहते हैं ना कि जब शुरू होता है हमेशा बुल रन, हम इसको कहते हैं कि जब ये हमारी लाइन्स है ना क्रॉस हो जाती हैं, जब 50 EMA 200 को क्रॉस करती है, ठीक है, ये हमारी बाइंग बेस्ट बाइंग जो होती है ना आप यहाँ पे करते हैं इस पॉइंट पे जब ये क्रॉस करती है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं आज तक मतलब ये आई है लेकिन इसने कभी क्रॉस नहीं किया, ये गैप देखें आप बढ़ते ही है, आप ये देखें यहाँ पे पीक भी किया है, यहाँ पे एक दफा यानी कि ना यहाँ पे मार्केट जो थी डंप हुई है, काफी टाइम बाद आप कह लें कि ये एक रिटेस्ट हुआ है उसके बाद, लेकिन होल्ड नहीं किया, फिर एक दफा नीचे आई है, तो ये देखें आपकी मार्केट पहली दफा, तब आपकी लास्ट टाइम इसने 200 EMA को टेस्ट किया था 4 सितंबर, ठीक है। उसके बाद इसने पहली दफा यहाँ पे आपको ना एक वार्निंग दी थी मार्केट ने ना कि आप यानी कि जो है नहीं ठीक आपकी ना मार्केट, आपको 200 जब ईएमए टच करते हैं आपको एक वार्निंग होती है जब मार्केट से निकल जाए, ठीक है। इधर भी बंदों ने होल्ड किया रखा है और मार्केट डंप हुई है, और अब पॉसिबल ये है कि ये जो ब्लू लाइन है 50 EMA, ठीक है, इन केस अगर तो ये क्रॉस कर जाती है इसको डाउनवर्ड तो हम कहेंगे कि मार्केट नहीं ठीक, लेकिन पॉसिबल ये भी होता है काफी दफा आपने ये पीछे भी आपने देखा है, ये देखें यहाँ पे अब ये जो है मार्केट, ठीक है, ये नीचे आई है लेकिन इतने कम गैप में, लेकिन ये दोबारा इसको क्रॉस नहीं किया, इसने ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है, अभी हमारा गैप काफी है, ठीक है। पॉसिबल ये भी हो सकता है ये यहाँ पे आए, यहाँ पे क्रॉस ना करिए अपवर्ड चली जाए, ठीक है, लेकिन अगर ये क्रॉस करती है तो तब हम कह सकते हैं कि ये मार्केट जो है ना ठीक नहीं होगी, उसके बाद हम देखेंगे पॉसिबल क्या होंगे, ठीक है। ये डेथ क्रॉस इसको कहते हैं कि जब 50 EMA 200 को क्रॉस कर जाती है, जैसे 4 EMA होता है ना आपका, ठीक है, मैं आपको 4 EMA भी दिखाता हूँ, 4 EMA भी यूज करते हैं, ठीक है, और जो होते हैं ना ईएमए इंडिकेटर वो भी हम यूज करते हैं मार्केट को मतलब जज करने के लिए कि हम बुल रन में है कि बियर में है। आपको मैं 4 EMA का भी बता देता हूँ, आज काफी पूछ रहे थे उस दिन जो ना, ये 4 EMA इंडिकेटर है, जब ये लास्ट वाली है ना इसको रेड डाउन करते हैं हमेशा, ये जो 55 EMA है ना इसको रेड करते हैं, ठीक है, जब ये रेड क्रॉस करती है ना आपको सबसे ऊपर, तब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। आप बेशक सिंपल टू मूविंग एवरेज 50 और 200 भी एक ही होती है, ठीक है, जब ये 55 EMA क्रॉस करती है हमेशा यहाँ पे 4 EMA में, उस टाइम आप मार्केट से निकल जाएं, आपको ये साइन देती है आप मार्केट में मत रहें, ठीक है, ये मतलब ना की होती है एक ना आप मार्केट से निकल। अब इसने हमें साइन कहाँ पे दिया था, 54,700 अराउंड अबाउट जब BTC वहां पे था, ठीक है, इसने हमें कहा था मार्केट से निकल जाए, उसके बाद अभी भी आप देखें कि ये डंप करती गई है मार्केट, ठीक है। अब हम पॉसिबल हम कब देख रहे हैं कि बुल रन यानी कि ना दोबारा बुलिश हो की मार्केट, वो हम तब देख रहे हैं कि जब ये
इसको क्रॉस करेंगी मूविंग एवरेज जो है ना 9/13/21 ये वाली मूविंग एवरेज जब इनको क्रॉस करेंगे ना 42,000 हर बंदा क्यों आपको कहते हैं कि 42 फ्लिप करेगा तो हम यानी कि ना एक तरह हम बुल रन दोबारा जो है ना एक हमारी बुल मार्केट वहां पे आ जाएगी। वो इसलिए कह रहे हैं कि जब हम इसको क्रॉस करेंगे ये सारी मार्केट ऐसे अपवर्ड कैंडल अपवर्ड जाएंगे ना तो ये लाइन भी अपवर्ड जाती है कैंडल इनको लेके जाती है मूविंग एवरेज को। अब लास्ट टाइम हम देख लेते हैं कि इंडिकेटर कैसे है कैसे वर्क करता रहे हमारा पास में ठीक है। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है आपको इसमें ना शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी ये काम करता है आपको मतलब अगर ट्रेड आप ले रहे हैं ना आप ये यूज करके आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ये देखें जैसे कि ये अब जो 55 PM है इससे यहाँ पे क्रॉस किया ठीक है। देखें मार्केट कैसे ऊपर गई ट्रेंड चेंज हुआ था यहाँ पे ठीक है। और आप यहाँ पे देखें यहाँ पे क्रॉस हुआ था 55 PM में जो थी ना इसकी अपवर्ड इतनी आई है लेकिन अपवर्ड ही नहीं है तो ये देखें मार्केट डंप हो गया अपवर्ड। जब ये रेड लाइन हुई थी ना 55 PM में तब आप एक तरह थोड़ा बियर ही है आप बेरिश मार्केट में एक तरह शॉर्टर टाइम फ्रेम में ठीक है। आप ये देखें यहाँ पे मार्केट डंप होती की है ठीक है। ये देखें वैसे ही आप वन आउट करेंगे आपको और ज्यादा मतलब स्कैल्पिंग अगर आपने करनी है आप ये मतलब ना एक इंडिकेटर है इस पे आप फुल आप ट्रस्ट नहीं कर सकते लेकिन ये है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे देगा ये आपको। कोई क्वेश्चन है आपका किसी का भी आपका इसमें पूछे कि कौन सा मुझे तो पता नहीं कि रेलेवेंट है या नहीं लेकिन कौन सा EMA इंडिकेटर यूज करना बेस्ट होगा उनका ये सवाल है चैट में पूछा उन्होंने। कोई मसला नहीं है EMA जो होते हैं ना एक EMA जो है यानी कि ना इसकी सेटिंग्स हैं यानी कि ये 4 EMA का मतलब है 4 आपकी मूविंग एवरेज जो है ना 4 EMA मतलब 4 एक साथ है इस इंडिकेटर में ना ठीक है। मतलब 4 EMA का मतलब ये है EMA आप अगर सिंपल भी यूज करते हैं ना EMA वो आपकी एक ओपन होगी ठीक है। मतलब आपका अगर फ्री वर्जन है ना आप खाली टोटल ना 3 इंडिकेटर एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए बंदों ने ना ये मतलब आप कह लें कि एक इंडिकेटर बना दिया इसमें आपकी ना मतलब स्क्रिप्ट वगैरह डाल के ना उन्होंने 3 मूविंग एवरेज जो है ना उनको 4 मूविंग एवरेज इकट्ठा किया हुआ लेकिन बस इसमें ये होता है कि अगर आपने हर दफा ऐड करने आपको ये सेटिंग में जाके आपको इसी सेटिंग में स्टाइल में ये जाके ये इसके ना नंबर है आप बेशक इसको 2 मिनट करके 50 कर दें या आपने 3 खाली 2 यूज करनी है आप यहाँ से क्लोज कर दें ठीक है। रश भाई आपको आज होगी इसकी ओके। सो अहमद भाई taught us about 2 indicators, moving average and exponential moving average, EMA and MA. So in the first one, he told that when the 200 EMA crosses the 50 EMA, so we are like bullish and that is the entry point. But when the 50 EMA crosses the 200, it is called death bath, and kind of we can say that a bearish market has been started. In the 4 EMA, there are four moving averages, in which when all the 3 crosses the 9 EMA, so we are that is the entry point, and we are bullish. And when all the other moving averages crosses the 55 EMA in downwards direction, so we should exit, and that is a bearish sign. If anyone have any questions, so they may ask, we will answer them. And if there is no question, so we'll end up the session. I have one question. See, there are multiple EMIs like we have 4, 15, 21, 55. Sometimes people also do refer to 200. So which is the best one to consider?
भी अगर आप यानी कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, जो 2 मिनट ईएमआई है ना, ये एक्ट एज सपोर्ट करती है हमारी रेजिस्टेंस भी सपोर्ट में, ठीक है। अगर आप 200 ईएमआई कर रहे हैं तो वो आपकी 200 की आपको ना सपोर्ट बताएगी लास्ट 200 की, लेकिन ये डिपेंड करते हैं आपके ना, मतलब बेस्ट आपकी अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अगर आप 200 यूज करेंगे ना तो वो आपकी सपोर्ट ही बहुत दूर बताएगी, ठीक है। आप जैसे अगर टाइम कम फ्रेम में आप करेंगे ना, आपने मतलब 55 जितना करीब वाली होंगी ना आपकी जो की है, जिस तरह आप 4 ईएमआई आपका यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, उसकी डिफॉल्ट भी जो आती है वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी में आप यानी 4 आवर में भी आप अगर 200 ईएमआई अगर यूज करेंगे ना, तो वो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो यहाँ पे बता रहे होंगे काफी ना, लास्ट 55 को मुझे रेड करते हैं, ठीक है। ये जब क्रॉस करती है ना ऊपर की तरफ, तो ये आपको एग्जिट साइन देता है, जैसे कि ये आप ये देखें बाकी जो लाइन है ना, इसने यहाँ से क्रॉस की है, ठीक है। आप आज का अगर आज देखें ना, आज आप इसने मतलब 5:40 नीचे टाइम आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसने काफी यानी कि ना यहाँ पे आपको एक साइन दे दिया कि ये जो साइन है ना, ये 15 मिनट में भी आप देखें ना, आपको आज यहाँ पे एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया साइन कि आप मार्केट से निकल जाएं, ठीक है। ये 16 जून 8:15 मुझे नहीं पता आज क्या टाइम है, आज यानी कि दो दिन पहले इसने आपको ना साइन दे दिया था। अब ये मार्केट उस टाइम कहाँ पे थी, मतलब आप कह रहे 40,000 पे थी, इसने यहाँ पे आपको एक ना इंडिकेट कर दिया था। ये आपको मतलब एक आपको बाइंग सिग्नल भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा इसको आप ना सेलिंग के लिए आप मार्केट से कब आपको निकलना चाहिए ये आपको ज्यादा बेहतर बताएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये लाइंस ऊपर थी, ठीक है, मतलब बाकी जो ईएमए थी ना ये ऊपर है। अब यहाँ पे इसने इंडिकेट किया है, ठीक है, ये नीचे चले गया। अब ये देखिए मार्केट किस तरह ऊपर गई है, दोबारा ईएमए जो है ना, मतलब उसने दोबारा 255 को टच नहीं किया। अगर आप 15 मिनट में देखें तो स्कैल्पिंग आप कर भी सकते हैं इस तरह, अगर आप कर रहे हैं आप एज अ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसको 55 को शॉर्टर टाइम पे या लॉन्गर में आप कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब जिस तरह कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, डेली टाइम पे में आप देखें ना, अगर आप ये देखें अब इसकी हम हमेशा जो है ना, अगर लॉन्ग टाइम जिस तरह हम कहते हैं बुल रन ये वो, तो हम हमेशा डेली चार्ट देखते हैं, ठीक है। अभी हर बंदा आपको पता है, आपको कहते हैं कि 42 को फ्लिप करेगा, एक वॉल्यूम अच्छा होगा, मतलब वो इसलिए कहते हैं कि एक तो ये यहाँ पे ना ये एक तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। आप देखें यहाँ पे इसने हमें एक्सिट करवाया था आखिरी दफा ना, आप देखें यहाँ इसको इसने जब ब्रेक किया ना 55 ईएमए को डेली चार्ट पे, तो आप देखें ये मार्केट किस तरह नीचे आई है दोबारा इसने। लेकिन अभी हमारे पास एक ये भी है कि इसने अभी तक ना इसको एक रीटेस्ट नहीं किया, यहाँ से इसने ब्रेक की है लेकिन इसने एक दफा रीटेस्ट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। एक दफा इसने रीटेस्ट भी करना है वो भी हमारा रहता है, अब वो कब करते हैं ये तो मतलब नहीं पता, ठीक है, वो टाइम के साथ पता चलता है आपको ना। और अभी जो मैंने लाइव सेशन में यही बताया कि आप मुझे मार दाई है खुद, एक तो यहाँ से हमारा ब्रेकआउट हुआ था जब बताया भी था, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट नहीं हुआ था यहाँ पे भी, एक रीटेस्ट वैसे ही पेंडिंग था। और एक तो सीएमए का गैप होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ,
हाँ जी अच्छा ये गैप था ठीक है हमारा ना आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ये एरिया मैं आपको बताता हूँ ये गैप जो होता है ना मैंने ड्रॉ किया हुआ पहले भी हम देखिए अब हमेशा जो गैप होते हैं ना ये मार्केट जब क्लोज होती है ना वीकेंड आता है उस दिन एक गैप बन जाता है ठीक है अब ये देखें उस दिन जब मार्केट क्लोज थी ना 36,580 से ये मार्केट हमारी गई है 38,039 पे ठीक है ये गैप बन गया था इसको फिल होना लाजमी होता है ठीक है ये गैप आज हमारा फिल भी हो गया ये एक्सपेक्टेड था एक तो ये एक्सपेक्टेड था कि हमारी टिप आ सकती है वो एक ये रीजन थी और एक रेट की रीजन थी ठीक है हमारी ये दो थी और एक तो जो मार्केट में अभी फी यहीं पे गैप पे एक क्वेश्चन है नॉर्मली गैप तो वहां पे होता है जहां पे मार्केट इलिक्विड होती है अगर यहां हम बिटकॉइन मतलब जहां पे क्रिप्टो की बात करें यहां पे ज्यादातर कॉइंस तो वो हैं लिक्विड हैं तो 24 आवर्स मार्केट चल रही है मार्केट स्टॉक मार्केट इधर बंद तो नहीं हो रही कि भाई क्लोजिंग समझ लो 5 बजे और नेक्स्ट डे ओपन हो रही है जो वीकेंड होते हैं ना वीकेंड उसमें ऑफ होते हैं एक तरह आपकी जो स्टॉक मार्केट होती है ना वैसे आपकी ऑन है लेकिन जो होते हैं ना स्टॉक मार्केट्स आपकी वैसे वो बंद होती हैं आपको पता है ना ये वीकेंड्स हमारे क्यों होते हैं मतलब हमेशा आप देखते हैं कभी भी इसमें गेन वगैरह हमें नहीं मिलता एक तरह आप देखें इसमें अब ये वीकेंड्स के सारे गैप आपको कहाँ पे मतलब देखें काफी कम गैप है मतलब वो मतलब इतना टाइम फ्रेम ये एक कैंडल जो है ना एक डेली है ठीक है आपको सात सात कैंडल इकट्ठी मिली है लेकिन आपको गैप नहीं मिल रहा है वो इसलिए कि हमारे वीकेंड में हमारे ये जितने गैप है समझिए इस वीकेंड में हमारी गेन हुई है एक यहाँ पे गेन हुई थी हमारी एक यहाँ पे हुई है ठीक है आप ये देखें चार्ट में आपको कहाँ पे गैप यहाँ पे मिल रहे ठीक है तो ये होता है कि हमारे वीकेंड भी हम इसलिए कहते हैं कि ना वीकेंड हमारे इतने अच्छे नहीं होते हमारी मार्केट डाउन रहती है वो तो इसलिए होती है कि एक तरह मार्केट भी हमारी क्लोज होती है और एक तो बायर जो होते हैं ना बंदे वो वैसे ही ना आपको पता है वीकेंड्स पे वो मतलब नहीं करते अपनी फैमिली को टाइम देते हैं पार्टी वगैरह ये वो तो ये होता है मतलब तो ये जो वीक जो गैप आप देख रहे हो ये आपने बिटकॉइन सीएमई फ्यूचर्स चार्ट निकाला है जो नॉर्मल अगर मैं बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट निकालूं उसमें नहीं दिखेगा नहीं उसमें नहीं होगा वो तो आपकी एक ना लाइव मार्केट है ठीक है मतलब आपकी ये जो है ये गैप होता है ये एक तरह ना आपका मतलब ये है ये शो ये करते हैं कि आपका ये जो गैप है ना ये फिल होना होता है मतलब आप ये गैप एक्सपेक्टेड था आपने सुना भी होगा कि सीएमई में गैप है ये फिल होगा तो ये इसीलिए होता है आप देखें यहाँ से मार्केट नीचे आई है एक तो ये इसने यहाँ पे की ना सपोर्ट थी आपकी अगर देखें ना आप उसके मतलब 100 की थी शायद यहाँ पे 50-200 की थी तो वो सपोर्ट भी थी आपके अगर 4 आवर में देखें तो ये था सारा ना तो बाकी ये कि अभी रीटेस्ट है अगर तो इसको ब्रेक करते हैं तो मेन की लेवल ये है ये रेड बॉक्स आपका यहाँ पे बाइंग देखिए आप पीछे देखिए आप ये देखें विक देख रहे हैं आप विक बांध सकती है लेकिन उसको क्लोज यहाँ पे होना चाहिए अगर कोई यहाँ पे क्लोज इसके नीचे होता है 33 से डेली क्लोज नीचे हो जाता है फिर ये ब्रोथ तो आपका कह लें कि ये नहीं ठीक होगा सही है अच्छा इसी ईएमए पे एक सवाल है जैसे रेड लाइन 55 ईएमए वो उसको हम एज अ रेजिस्टेंस ट्रीड कर सकते हैं अगर बाकी के में ईएमए देखो जो रेड वाली है वो समझ गए लेकिन जो बाकी की है उनको हम मतलब एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे क्योंकि वो तो कैंडल के बीच में क्रॉस कर रही वो रेजिस्टेंस कैसे हुई मैं आपको बता हमेशा जो होती है ना आपकी सबसे पहले आपकी क्रॉस करेगी वो हमेशा 9 करेगी ठीक है 9 हमारी यहाँ पे है ब्लू वाली आप की ना ये हमेशा एक ये जो नंबर्स है ना आपकी ईएमए हमेशा छोटे से सबसे पहले 9 क्रॉस करेगी फिर 13 करेगी फिर 21 करेगी फिर 55 करेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है ये देखिए सबसे पहले इसने ब्लू ने क्रॉस किया उसने 13 को करना है 21 55 मतलब टॉप पे जो आएगी ना आपकी यानी कि मैं आपको दिखा एक ये हमारी ब्लू लाइन है ठीक है
फिर हमारी आती है मतलब ये 9 AM है, ठीक है, ये 13 है, ये 21 है, ये 55 है. सबसे पहले इसने ये ब्लू वाली इसको क्रॉस करेगी, मतलब ये आपकी 13 है, ये 21, ये 55, ठीक है. फिर इसने इसको क्रॉस करना है सबको, फिर इसने इसको करना है, फिर ये जो है ये करेगी लास्ट पे, ये ऊपर आ जाएगी, मतलब आपके ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया जब ये क्रॉस कर देंगे. नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये, जैसे हम 55 को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहे हैं, तो बाकी जो ईएमए लाइंस हैं वो भी एज अ रेजिस्टेंस ही सब, मतलब एज इन वो बिहेव कर रही है, मतलब उनको भी हम कंसीडर करेंगे कि अगर प्राइस वहां पे आती है तो वहां पे मतलब वो इतनी लेकिन अफेक्टेड नहीं होगी. लेकिन जैसा ये है ना, ये मेजर होती है 55, ये लास्ट पे आती है, ये ना माइनर सी है आपकी. लेकिन आप एक तरह ये कि हमेशा ये आप कैसे ऊपर जाएगी, ये जो आपकी सपोज करें 9 AM है, ये खुद ऊपर नहीं जाती हमेशा, ये जो कैंडल है ना ये वाली, जब ये इसको क्रॉस करेगा इधर, ठीक है, ये इसको साथ ऊपर लेके जाएंगे. जब तक ये कैंडल इसको क्रॉस नहीं करती, ये एक तरह इसकी ना एक तरह रेजिस्टेंस ही है. जब ये ब्रेक करेगी इसकी ये हो जाएगी, ये इसको ऊपर ले जाएगी साथ अपने, ये 9 AM है इसको आपको पीछे. सही तो मतलब ये अगर 9 को क्रॉस करती है तो फिर वो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी वो फिर पर्पल होगी. हां जी, ये देखिए अब आपको ना यहां पे ये देखिए 9, ये जो 9 AM है ये आपकी ब्लू लाइन बिल्कुल नीचे है, कैंडल नीचे बांध रही है, ये देखिए बार-बार नीचे बांध रही है. हमेशा आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, आप ये छोटी जो ईएम है ना 9 वगैरह आप देखेंगे तो मैं 15 AM देखें आप ना स्कैल्पिंग आप कर रहे हैं, कोई अच्छा देखें यहाँ पे आपने यहाँ पे बाइंग की हुई है, ठीक है, 9 AM के टॉप पे या 9 AM ऊपर जाकर कर लिया, ठीक है. आप इसको तब तक ना करें जब तक एक कैंडल क्लोज 9 AM के नीचे नहीं होती, बिक जाती है, जाने दें, ठीक है. वो टेस्ट करेंगे आपकी वापस भी आ सकते हैं. लेकिन अगर कैंडल क्लोज हो जाती है ना इनके इनके मतलब पहली से मतलब दूसरी 13 में इनके दरमियान, तो आप क्लोज कर दें हमेशा. लेकिन क्लोज अबव हो रही है, यहाँ पे इसने नीचे आई है, क्लोज टाइम फ्रेम में नीचे चली, अब ये देखिए नीचे चलेगी दोबारा, ये भी एक तरह आपकी ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हो रही है. फिर यहाँ पे आप देखें इसी तरह सेम उसने कैंडल क्लोज नहीं की. कैंडल क्लोज इम्पोर्टेंट इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि एक तरह वो आपकी ना मतलब मार्केट आप ही क्लोज होनी चाहिए उसके ऊपर, बिक जाती है. लेकिन आप जैसा हमेशा आप देखते होंगे कोई आपको एंट्री पॉइंट दिया, ठीक है, उसको हिट किया है लेकिन मार्केट नीचे आ गया साथ ही, ऊपर क्लोज नहीं हुई थी डेली वो कैंडल जो टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं ना 4 आवर में आवर में, उसकी एक कैंडल अगर परफेक्ट जो होता है ना आपकी कैंडल अगर उस टाइम फ्रेम में ऊपर क्लोज हो जाती है ना तो आपका यानी कि ठीक होता है, मतलब वो आपको ना अच्छा मिल जाता है कि आप चांसेस ज्यादा होते हैं टीपी 8 होने के. लेकिन वही अगर हिट करके अगर वो क्लोज नीचे हो जाए तो वो फायदा नहीं होता. अब वही 4 AM का ये मैं बता रहा था कि आप इसको ना ऐसे कर सकते हैं, यानी कि अब ये 4 AM है, ठीक है. अब आपकी ये मार्केट यहाँ पे है, ये ना सपोर्ट लेवल है कि ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ऊपर होगी, लेकिन ये आपका ना सपोर्ट है एक तरह. अभी तक यहाँ पे मैं नहीं समझ रहा, अभी कुछ टाइम मार्केट काफी नीचे आई है, इसको पंप एक दफा होना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक 37-200, एक दफा ये यहाँ तक उम्मीद जाएगी भी. तो बाकी ये कि डेथ क्रॉस वगैरह का मैंने आपको गाइड कर दिया कि काफी बंदों को नहीं पता था कि क्या चीज होती है, मतलब मेन मूविंग एवरेज ही है वो जब क्रॉस करती है इंडिकेट हर बंदे को पता है कि ना वो आपकी जो इंडिकेट करती है कि आपकी बुल रन ये पीएम मार्केट ये वो, तो मेन वो इसलिए उसका फियर भी काफी लाते हैं मार्केट में. वैसे ना बाइंग आपकी वॉल्यूम भी नहीं आता कि वो करीब है, काफी बंदों ने सेटिंग किए पहने किए वो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम भैया. जो सिग्नल में एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिए जाते हैं ये किस हिसाब से देते हैं? मतलब सिग्नल में एंट्री ये ना आपकी पुरानी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होती है ना उसको देख के देते हैं, और कोई भी ब्रेकआउट होता है ना आपके पास दो होते हैं, ठीक है. आप बाइंग और सेलिंग जो करती है ना मतलब आप एक तरह दो दफा आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ट्रेड के. एक आप अगर बिल्कुल देखें आप सपोर्ट पे लें यहाँ पे
यहाँ पे रजिस्टर है यहाँ पे बेच देते हैं आप, ये नॉर्मल होती है ठीक है। एक होती है आपकी ना मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग जो आप करते हैं, मतलब आपको ना क्विक मतलब प्रॉफिट, वो होता है आपकी ना ब्रेकआउट ठीक है। एक दफा ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम आते हैं एक फॉर्म, जिससे आप बीटीसी का आपने देखा होगा ब्रेकआउट हुआ था लास्ट टाइम, ये वाला ये ब्रेकआउट होता है, आपकी वॉल्यूम आते हैं, कैंडल बनती है, आप यहाँ पे प्रॉफिट होता है ठीक है। अगर वही आप सपोर्ट यानी कि स्पॉट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब एक ये सपोर्ट है ठीक है, अब यहाँ पे बाइंग करते हैं यहाँ पे आप बेच देते हैं, मेन ये होता है आपका ठीक है। और भाई जो सा स्टॉप लॉस होता है वो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस हो वो नीचे नीचे और ऊपर उस। हां जी मैं आपको बताता हूं ठीक है, आपको ये इंडिकेटर मैंने बताया और ईएमए ठीक है। ये जो 55 ईएमए है ना लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ये एक्ट एज सपोर्ट भी कर रहा है, अगर आपकी कैंडल ऊपर है तो ये इसके नीचे अगर जाएगी तो ये आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। वही अगर आपका अगर है ना मतलब आप टीपी आप यहाँ पे टीपी लगा सकते हैं, मतलब एक तरह जो आपकी सपोर्ट है ना पुरानी, आप पुरानी देखते हैं ना मार्केट जिस तरह आप ये क्या मैंने बनाया है एक लाइन ड्रॉ की हुई है ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे बाउंस आती थी मार्केट नीचे, दोबारा ये नीचे, दोबारा ये नीचे, और यहाँ से बाउंस हो रही थी मार्केट, ये देखिए रेड बॉक्स में टच करती थी दोबारा चली जाती थी ऊपर। तो यानी कि एक स्कैल्पिंग भी आप कह सकते हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ था आपका ठीक है, आप यहाँ पे बाइंग करें यहाँ पे बेचें, इधर बाइंग करें इधर बेचें, आप एक स्कैल्पिंग आपकी मान सकती थी। काफी टाइम यहाँ पे एक मार्केट जाती है, आखिरकार इसने एक दिन ब्रेकआउट होना ही था, या ब्रेकआउट होना था ब्रेक डाउन हो जाना था, अगर यहाँ से होता तो ये मार्केट नीचे जानी थी। वो फॉर ईएमए हटा के इसके अलावा कोई इंडिकेटर लगाएं जिससे बंदा एंट्री और एग्जिट करे? नहीं ईएमए आपका एक मतलब आपको मैं तो इंडिकेटर ये फॉर ईएमए यूज भी नहीं करता ठीक है। मैं आपके सामने मैंने आपको कुछ चार्ट जब भी मैंने शेयर किया ना मैंने यूज नहीं किया था, मैं ऐसे ही करता हूँ ठीक है। ये आपकी यानी कि ना जब आपको एनालिसिस आप स्टार्टिंग से आप जब करेंगे ना तो आपको समझ आएगी, इस तरह आप कह लें कि मतलब नहीं आपको समझ आएगी, मतलब बेसिक है ना, आप कैंडल से आप स्टार्ट करेंगे ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना मेन उसका जो है ना, मतलब सपोर्ट वो होती है जो आपकी एक पॉइंट है जो होल्ड किया हुआ है। अब ये पॉइंट है बीटीसी का ये एरिया जहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं और यहाँ से मार्केट जा नहीं रही थी नीचे, ये देखें एक दफा गई है उसके बाद दोबारा आप देखें इधर कितनी दफा इसने होल्ड किया, एक दफा आई है, दो दफा आई है, तीन दफा, चौथी दफा वीक हो गया। वो कहते हैं ना एक बार उसको आप हथौड़े मारेंगे ना, एक दफा मारेंगे थोड़ी कमजोर होगी, दोबारा करेंगे जब ज्यादा दफा होगी वो वीक हो जाएगी, वो फिर ब्रेक कर जाएगी। तो इसने तीन दफा आपका होल्ड किया हुआ था एरिया, तो चौथी दफा वो नीचे गई है, फिर नीचे जो आपकी ये थी उसने होल्ड किया आपका ये वाली जगह से। काफी दफा इस तरह हो जाता है कि अगर स्पोर्ट को वो करता है ना ब्रेक, वो नेक्स्ट कैंडल वो नीचे कंफर्म जो सी कंफर्मेशन कैंडल होती है वो नीचे क्लोज करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल क्लोज नीचे क्लोज होने के बाद फिर वो ऊपर आ जाती है, वो मैं बता रहा हूं जिसे फेक ब्रेक डाउन कहते हैं। वो फेक आउट ही होता है हमेशा, आप ट्रेड जब करते हैं फर्ज करें आपको ये मैं बताता हूं ठीक है। ये देखिए ये एक फेक आउट था, ये क्यों था रीजन मैं आपको बताता हूं। ये कैंडल आपका फर्ज करें मैंने यहां पे ना ट्रेड लेनी थी, इसे हमेशा एंट्री पॉइंट हिट किया लेकिन क्या हुआ क्लोज नीचे हो गया। अगर आप बात ये कर रहे हैं कि अगर ये जिस तरह ऊपर गया था ठीक है, अब ये जो मार्केट थी ना ये ओवरऑल इसको हम फेक आउट भी कह सकते हैं, वो क्यों, क्योंकि ये रीटेस्ट करने आया है ना, इसका यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ। रीटेस्ट होता है आपका ब्रेकआउट के बाद ना एक दफा आपकी मार्केट लाजमी एक दफा रीटेस्ट करना चाहिए कि ये अभी तक हमें कन्फर्मेशन तो नहीं है ना कि ये सपोर्ट जो थी रेजिस्टेंस ये सपोर्ट बनी या नहीं बनी, वो आपको तब पता चलता है जब कैंडल आके इसको टेस्ट करके नीचे नहीं जाती ठीक है। हमेशा रीटेस्ट कहते हैं कि आपकी जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई है, लेकिन वो कब पता चलता है जब कैंडल आके उसको बार बार इंसान टेस्ट करती है और नीचे नहीं जाने देती है ये लाइन जो है, और फिर हम कहते हैं कि हाँ ये एक दफा यानी कि ना ये आपका ब्रेक हो चुका है। पहले बात कट गई थी आपने, वो एंट्री और एग्जिट कैसे बताया था, स्पॉट और रेजिस्टेंस को देख के कंफर्मेशन कैंडल पे लेनी है कैसे लेनी है एंट्री और एग्जिट स्कैल्पिंग के लिए फ्यूचर में? फ्यूचर में आपको मैंने बताया था ना, मतलब आपने कौन सा सवाल किया था मेरे से?
फ्यूचर ट्रेडिंग में सिग्नल के लिए एग्जिट और एंट्री पॉइंट किस चीज को देख के कैसे लेने हैं? आप पुरानी जो है ना, मतलब आप रेजिस्टेंस जो, मतलब आप वैसे तो फ्यूचर में आप स्कैल्पिंग कह रहे हैं, स्कैल्पिंग आप होती है शॉर्ट छोटे टाइम फ्रेम, ठीक है, आप 15 मिनट या इसमें देखते हैं ना, तो आप यही, आप जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको ना स्कैल्पिंग मैंने दी थी बीटीसी की ना, मैंने आपको बताई थी, आपको मैं बताता हूँ मैंने क्यों कहा था, वो भी ना रीजन भी आपको बताता हूँ। हेलो, तो कैन आई आस्क माय क्वेश्चन नाउ? यस यू कैन। ओके, सिंस इट्स लुक्स लाइक द मार्केट इज डाउन, बीटीसी इज गोइंग डाउन ट्रेंड सिंस मेबी 3 days नाउ, 2 days इट हैज बीन गोइंग डाउन ट्रेंड, सो आई वांट टू आस्क इफ वी कैन शॉर्ट इट ऑन अ फ्यूचर ट्रेड। कैन यू आस्क क्वेश्चन अगेन? Like it shows that BTC has been going downtrend. So I'm asking for futures trade signals. Can we short it? Can we go for the short signals on BTC? No. You don't do a future trade right now. Currently, it's on support. It's here in the market. Let's confirm first, if this bounce from here, then we will give you a signal from this point. Currently, do not do a future trade. Let the weekend pass first, okay? Shorting a trade is not a better option for now, because here you can see the trend line the Ahmad has drawn. It is possible that we may bounce back from here, so BTC may go upside, but if it breaks down, so then we may possibly see BTC more downwards, so it is not recommended to short trades now. I have another question. I think I have seen in some of the groups, they are posting that there might be on 25th of June there might be some futures which will be expired. So I do agree that like in Binance or in other exchanges we have the buy and sell orders which are visible. But from where we get this type of information, like the futures are going to expire for any specific coin? बेसिकली ना इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप इथेरियम के हमें बात कर रहे हैं, उनका 25th को ना एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, आप अगर गूगल पे लिखेंगे ना, ठीक है, इथेरियम का एक्सपायर हो रहा है 25th को, ठीक है, अब इथेरियम का लास्ट टाइम जब एक्सपायर हुआ था ना, आप चार्ट में भी देखेंगे ना 25th, अब लास्ट ईयर जब भी उनका हुआ था, तो मैं भी आज यही देख रहा था कि उनका ड्रॉप हुआ था हमें अराउंड अबाउट 16%। तो हमेशा जब भी एक्सपायर होती है ना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो पॉसिबल होता है कि वो डंप करे, लेकिन कुछ साइट्स हैं ना, आप कॉइन डेस्क पे चेक किया करें, और ये एक है फाइनेंस फेड्स है कि फीड्स है ना, फीड्स है फाइनेंस फीड्स, तो इस पे देख लिया करें। इसके अलावा जो कॉइन के कॉन्ट्रैक्ट सॉरी वॉइस खिज़र भाई की वॉइस कट रही है। आपकी वॉइस सही नहीं आ रही। थोड़ा सा बाहर जा। अभी आ रही आवाज? जी अभी आ रही। तो देखिए, एक है फाइनेंस फीड्स और एक है कॉइन डेस्क, तो इस पे मोस्टली ये जो बिटकॉइन या इस तरह क्रिप्टो की जो न्यूज होती है ना, वो देख लिया करें आप। इसके अलावा अगर आपको किसी स्पेसिफिक न्यूज के बारे में जानना है किसी स्पेसिफिक कॉइन का, तो बेशक वो कॉइन आप गूगल में लिख लें, और साथ में वो जो आप जिस स्पेसिफिक टॉपिक को जानना चाहते हैं वो साथ में लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपकी वॉइस में बेर मसला आ रहा है।
आपकी वॉइस तो यही कह रही है कि आप ना गूगल पे ना आप कोई भी कॉइन है आपने अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट का देखने ना आपने तो जो वेबसाइट उन्होंने बताई है वो गया और अगर वहाँ पे भी आपको नहीं मिलता आप गूगल पे अगर खाली उनका नाम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का आप करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा मोस्टली जो ज्यादातर होता है ना वो आपके कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन एक्सपायर होते हैं ना उस दिन वो डाउन जाते हैं अगर आप पास में देखें ना लेकिन हर दफा होता है ना कि आप कह लें कि कभी कभी होता नहीं भी होता डाउन बंदों ने शॉर्ट किया होता है तो मार्केट वाले बड़े होते हैं ये आपको ना लिक्विडेट भी कर सकते हैं अगर आप शॉर्टिंग करेंगे और कोई क्वेश्चन हो किसी का अगर उनकी ट्रेड वगैरह अगर तो किसी का पूछना हो वो भी पूछ सकते हैं कि उसके बारे में बाइंग जोन क्या होना चाहिए या क्यों होना चाहिए आप पूछ लो कोई भी ट्रेड अगर तो आपका है मैटिक का बता दें मैटिक आपके सामने एक तो ना इसका एक ये पॉसिबल और एक इसकी चैनल भी बंद है अभी जो है ना ये फिलहाल तो इसने यहाँ पे ना आपको आपका ये ब्रेकआउट हुआ था इस पॉइंट पे ठीक है आप ये देख लें यहाँ पे इसके बाद ना ये बीच में एक एक ये भी सपोर्ट होती है जो लाइन होती है ना ये आपकी सपोर्ट की तरह होती है ठीक है ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया ये आपकी ना सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी बार बार इसे ना रेजिस्टेंस को टच कर रहा था लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा था ठीक है अब पॉसिबल जो है ना इसको ला दोगे वो चला दिया है तो तुम निकल जाओ अच्छा चलो चला दो अबे दादा तो आगे चला देना अनीस की इसको म्यूट कर दो ये जो कोई भी है इसको म्यूट कर दो तो मैटिक की अभी जो है ना मतलब आप अगर तो फिल वक्त तो अभी मैटिक है अगर तो यहाँ पे आते हैं ना मतलब आप कह रहे हैं बेस्ट बाइंग जोन जो होगा ना अगर यहाँ से बहुत होते हैं 1.15 से या 1.8 यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं तो आपने कह लिया ये वाला अभी वाला तो ये ना सपोर्ट अगर आप ये देखें ना पुराना ये ना फोर और के देखिए यहाँ पे ऐसी हो रहा है उसके बाद आप कर सकते हैं दोबारा ये वाले पॉइंट आप DCA कर सकते हैं अगर आपने करना है लेकिन कंडीशन यही है कि BTC अगर वहाँ पे अगर होल्ड करते हैं आप ये ना एक तरह फर्ज करें अगर BTC जो है आपका
वो एरिया जो होल्ड नहीं करता नीचे जाता है, तो आपकी ये मैटिक भी खुद यहाँ पे आएगा। अगर वो भी नहीं होल्ड करता तो आपके यहाँ तक आ जाएगा वन प्लस ग्राउंड। आप यहाँ पे ना बाइंग कर सकते हैं, फ्यूचर नहीं